ऑल राइट स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम हेडिंग मार्क कर ली सबने? हम भी मार्क कर लेते हैं अपने नोट्स में। फ्रेश पेज से आप हेडिंग मार्क करना ना। सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट तो शायद आप सब बता देंगे, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट तो सभी को पता होगा। बोलो, बताओ दे रहे। परपेंडिकुलर वाली साइड है ना। चलो डिस्कस करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ये तो पता है। तो जहां जहां राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है वो है पाइथागोरस थ्योरम। कई साल तक तो यही नहीं पता था कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। फिर पता चला कि पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम को डेवलप किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया। ठीक है, तो ये क्या कहता है पाइथागोरस जी कि अगर एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो उस 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? निशिता ऑन द स्क्रीन, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। उसका नाम क्या रखते हैं हम? हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली। तो ये क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस जो होगी ना बेटा, वो बाकी दोनों साइड से लंबी होगी। हाँ, लंबी भी होगी, मतलब हाइपोटेन्यूस सबसे लंबी साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। ये AB से भी लंबी होगी, मीन्स AC AB से भी बड़ी होगी लेंथ वाइज, लंबाई के हिसाब से। और AC जो है दूसरी साइड BC से भी बड़ी होगी। पहली चीज तो ये कहते थे पाइथागोरस। दूसरा ये कहते थे कि जो हाइपोटेन्यूस की लंबाई है उस लंबाई का स्क्वायर कर दूं, तो बची हुई दोनों साइड्स की लंबाई के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। यानी बची हुई दो साइड्स का स्क्वायर तो एक तरफ और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर एक तरफ होगा, ऐसा वो कहते थे। और ऐसा हमेशा अप्लाई होता है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। हम स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। हाँ, क्या अगर इन सबका स्क्वायर ना आए तो आप कहना चाहते हो कि ये साइड इन दोनों के सम के बराबर होगी? अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो 4 प्लस 3 वो तो 7 हो जाएगी, जो कि गलत है। और आपको एक चीज बताऊं, हमेशा कोई भी ट्रायंगल बना लो, कोई भी, आप भले चाहे से घर पे एनालाइज करके देख लेना, कोई भी ट्रायंगल बना लो उसमें कोई सी भी दो साइड्स पकड़ लो, उन दोनों को जोड़ोगे ना तो उसका जो जोड़ है ना हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आएगा। आपने 4 प्लस 3 7 को बराबर कर दिया, ये बड़ा नहीं आ रहा, वो साइड कभी भी साथ नहीं हो सकती। चाहे से 6.5 हो जाएगी लेकिन साथ नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है इन ए ट्रायंगल। इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का सम हमेशा क्या होगा? तीसरी साइड के बराबर बड़ा होगा। तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर बराबर आ जाता है तो पता है वो ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कैसे? मान लो ये ट्रायंगल है एबीसी, इसको मान लो ये ट्रायंगल है, साइड ए बी 3 सेंटीमीटर, साइड बी सी 4 सेंटीमीटर, साइड ए सी 7 आ रही है, तो दो साइड का सम तीसरी साइड के एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, तो वो ट्रायंगल नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन है। अगर ट्रायंगल चाहिए तो इस बी पॉइंट को थोड़ा ऊपर उठाओ ताकि ये ट्रायंगल बने। अब इन दोनों का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, चाहे से 0.1 ही बड़ा आए पर बड़ा आएगा। ठीक है, तो अगर हम इनको इसके एग्जैक्टली इक्वल कर दें तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाना तो दूर की बात है, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, धैर्य, समझ आया? ठीक है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है? अब इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है।
तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है याद हो जाना चाहिए, अब तक तो 10th क्लास में आ गए। द स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले तो ये पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होती है, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अप्लाई होती है। इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, शॉर्ट में हम राइट ट्राइंगल भी कह सकते हैं इसको। इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम, इज इक्वल टू द सम, बैठो बेटा, ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, बची हुई दो साइड्स का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके सम करो, स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, ये तो क्या स्टेटमेंट। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको शो भी कर दो, कैसे, एक ट्राइंगल बना लो, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ऐसे ट्राइंगल एबीसी नाम दे देते हैं इनको, इस ट्राइंगल को ए बी सी, बी पे 90 डिग्री, ठीक है। अब ये ट्राइंगल जैसे हमने बनाया, तो हेयर इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी 90 डिग्री है या नहीं है? अगर एंगल एबीसी 90 डिग्री है तो मुझे बताओ हाइपोटेन्यूस वाली साइड कौन सी होगी, एंगल बी के सामने, सो हाइपोटेन्यूस हो गई मेरी एसी, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी है, तो एसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस, इसको पैक कर दो ब्रैकेट में, ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम, मतलब एस पर पाइथागोरस थ्योरम ये चीज प्रूव होगी जो आप देख रहे हो इस ब्रैकेट के बीच में, ये डब्बे के बीच में देख रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज आएगी। अब इस एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम बार बार लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो जब भी अपन लिखेंगे ना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो एक ऐसी इक्वेशन निकल के आएगी जिसमें एक साइड तो बैठे होंगे भाई साहब हाइपोटेन्यूस उसका स्क्वायर, और दूसरी साइड बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम बैठा होगा। अब हो सकता है कि ये पार्ट इधर हो और ये पार्ट इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कई बार हाइपोटेन्यूस आरएचएस में होगा मतलब उसका स्क्वायर, और कई बार एलएस, कुल मिला के एक तरफ रहेगा, वो अकेला काफी है, दोनों में भारी है, ठीक है। जैसे ये दिव्यांग अकेला भारी, ये धैर्य और दीपेश, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब अगला टॉपिक है, ये तो स्टेटमेंट लिखा है केवल हमने, स्टेटमेंट भी आ सकता है एक नंबर का, स्टेटमेंट भी आ सकता है एक नंबर का, कि स्टेटमेंट बताओ, स्टेटमेंट ना आए प्रूफ भी आ सकता है, प्रूफ आएगा तो कम से कम ना तीन नंबर का आएगा, इतना ज्यादा लंबा प्रूफ नहीं है, सिमिलैरिटी से सॉल्व होगा प्रूफ, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग इज प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, भाई ये जो मैंने आपको अभी इक्वेशन बताई ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आई कहां से सर, ये कहां से आई, इसको प्रूफ करके बताओ, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा ये भी लिख लो, यूजिंग सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी को यूज करते हुए अपन प्रूव करेंगे, और भी कुछ तरीके हैं बट हम यहां पे हमारे लेवल पे इस चैप्टर के लिहाज से सिमिलैरिटी यूज करेंगे और फिर प्रूव करेंगे। तो प्रूव करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम को, सबसे पहले ट्राइंगल बना दो वापस वैसा ही, अब की बार इधर की साइड का बनाओ, कैसा वाला, कैसे फ्लिप करना बताया था आपने,
तो हो ही नहीं रहा है। लेट मी सी, देखते हैं होता है क्या, नहीं हुआ है तो एक मिनट फ्लिप नहीं करना, सॉरी। अपने को क्या करना है, इसको देखो क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं, ये भी नहीं मजा नहीं आएगा उसमें करने में। देखो क्या ऑप्शन क्या है, रोटेट रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब ठीक है, हाँ जी, ऐसा ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी। एक चीज और देखो, ये दोनों साइड्स जब अपने को पाइथागोर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए कहते हैं ना, तो अक्सर जैसे मैंने भी बनाई है ना, आपने भी ऐसी बनाई होगी, अक्सर अपन ये दोनों साइड्स बराबर रखते हैं। कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। उसने कहा क्या बराबर रखो, लेकिन अपन अक्सर बराबर रख लेते हैं, तो इसको बराबर ना रखें, अनइक्वल करो। आप कुछ ऐसा करो, इसको लंबा कर दो, है ना, नीचे वाली साइड को थोड़ी छोटी, लाइक दिस। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री। गिवन पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे इस थ्योरम के लिए, ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। केवल एक ही गिवन पॉइंट है कि ट्रायंगल एबीसी एक ऐसा राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी पर हमने क्या बनाया है, 90 डिग्री बनाया, और प्रूव हमको ये करना है जो हमने ऊपर जो लिखा है ना स्टेटमेंट, एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ये जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है वही स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है। ठीक है, लिख लिया, इतना काम कर लिया सबने। अच्छा, अब इस ट्रायंगल को मतलब ये चीज प्रूव करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो आप लोग करेंगे डॉटेड लाइन में, है ना। कंस्ट्रक्शन ये है कि बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन एसी, लाइक दिस। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है तो मतलब ये 90 डिग्री पे ड्रॉ हो रही है, इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90। डी हाँ, ठीक है, हो गया यहां तक का काम सभी का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो आपने बोला मतलब करा वो लिख भी दो यहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क में, कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन किया आपने, ड्रॉ बीडी, बीडी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, एसी पर। हाइपोटेन्यूस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अल्टीट्यूड बनाना है हाइपोटेन्यूस पर, ये कंस्ट्रक्शन रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखिए, जैसे ही मैंने ये ट्रायंगल ये अल्टीट्यूड बनाया तो कितने ट्रायंगल अब आपको नजर आ रहे हैं, तीन, एक ये, एक ये और एक ये बड़ा, तीन ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। तीनों आपस में सिमिलर है, तीनों ही आपस में, तीनों में 90-90 डिग्री का एक एंगल तो मिल गया, एक एक एंगल कॉमन मिलेगा, दो एंगल तो चाहिए ना कम से कम सिमिलर प्रूव करने के लिए, तो एक एक एंगल तो 90 डिग्री का तीनों में है, एक एक एंगल हम कहां से लाएंगे, कॉमन एंगल निकालेंगे अभी। तो तीनों आपस में सिमिलर हैं, अगर वो सिमिलर हैं तो उधर से हमको कुछ ना कुछ साइड्स का रेशियो मिलेगा, उस साइड्स के रेशियो से ये थ्योरम प्रूव होगी। क्लियर, तो शुरू करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल को उठाते हैं, इसको और इसको, इस बड़े ट्रायंगल एक तरफ तो ले लेंगे ये छोटा ट्रायंगल और एक तरफ ले लेंगे ये बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे।
तो अगर मैं इधर नाम लिखता हूं ट्रायंगल का बी डी सी, तो फिर बड़े वाले ट्रायंगल में क्या नाम लिखूंगा? देखो आप फ्लो पे जाओ, आपने देखो बी, ध्यान से सुनो, बी, फिर आप 90 डिग्री वाले पॉइंट पे गए, फिर आप तीसरे पॉइंट पे आए। बड़े ट्रायंगल में भी आपको सेकंड पॉइंट पे 90 डिग्री पे जाना है, तो क्या लिखोगे? ए, फिर बी पे 90 डिग्री है, सी, तो बी डी सी, और इधर आपने क्या लिखा? बी सी, ठीक है, बी डी सी, एक मिनट रुको, ए बी, बिल्कुल सही, देखो लिखो, हेयर इन ट्रायंगल, गलत भी होगा तो सही कर देंगे, बी डी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा लिया? बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, एक एक एंगल तो 90 डिग्री है ही, इसमें तो एंगल बी डी सी 90 डिग्री है ना, और उसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, दोनों मिला के 90 डिग्री है। रीजन क्या लिखोगे? गिवन एंगल ए बी सी तो 90 डिग्री गिवन था, और एंगल बी डी सी 90 डिग्री क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन, गिवन एंड बाय कंस्ट्रक्शन, भाई ए बी सी तो 90 गिवन था लेकिन बी डी सी तो 90 आपने बनाया है, तो गिवन एंड बाय कंस्ट्रक्शन, तो एक एक एंगल तो मिल गया 90 डिग्री। अब एक एंगल और चाहिए, तो आप ध्यान से देखो, एंगल सी दोनों में कॉमन है क्या? है। देखो अगर मैं बड़ा ट्राइंगल बनाऊं, एंगल ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं बनाता हूं, तो उसमें एंगल सी फॉल होता है, एंगल सी लाया करता है उसमें, और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल बनाता हूं तो उसमें भी वो का वही एंगल लाया करता है, ना एक इंच ज्यादा ना एक इंच बड़ा। मान लो अगर ए बी सी ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री है, तो छोटे ट्राइंगल में भी इसकी वैल्यू 30 डिग्री रहेगी, तो ये कॉमन एंगल हो गया दोनों का। तो सी पॉइंट वाला जो एंगल है वो कॉमन है, तो सी पॉइंट वाला एंगल को कैसे बोलेंगे हम, कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसका? सी को सेंटर में ले लो, तो इधर कैसे लिखोगे? बी सी डी, सी पॉइंट, सी वर्टेक्स पे एंगल बनाना है तो कैसे लिखेंगे? बी सी डी, तो इसी फ्लो में उधर भी लिखना पड़ेगा, ए सी बी लिखो, एंगल बी सी डी ऑल्सो, ऑल्सो एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, रीजन कॉमन एंगल, तो दो एंगल बराबर आ गए, साम कर दो दोनों को सिमिलर, कौन सी सिमिलैरिटी लग जाएगी? ए ए, सो बाय यूजिंग ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल के नाम लिए थे हमने? बीडीसी और एबीसी, ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, एसीबी नहीं, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं साहब, तो यहां से कुछ रेशियो मिलेगा, साइड्स का रेशियो मिलेगा। अब मुद्दा ये है कि कौन सी साइड्स लूं मैं यहां से, तो आप एक चीज बताओ मुझे, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी, वो तो लेनी लेनी पड़ेगी, बीसी, बीसी जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है, छोटे वाले में भी आ रही है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो बीसी तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, दोनों साइड से लेनी पड़ेगी, इधर से भी और उधर से भी। तो सपोज करो मैं इधर से बीसी लेता हूं तो फ्लो में उधर क्या आएगी, और सपोज करो मैं बीसी वहां से लेता हूं तो फ्लो में क्या आएगी, बस ये दो साइड लो, खत्म करो, ठीक है। सपोज करो मैंने यहां से बीसी लिया, तो बीसी डिवाइडेड बाय उधर क्या लेना पड़ेगा, एसी इक्वल टू, अब वहां पे बीसी लिया, उधर वाले ट्रायंगल के डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेंगे मुझे, है ना, जो सेकंड वाले ट्रायंगल है उसकी साइड्स को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो उधर बीसी लिया तो इधर फ्लो में क्या आ रहा है, डीसी लिख दो या सीडी लिख दो, कैसे भी लिख दो। रीजन क्या डालेंगे हम इसको, इक्वेशन नंबर वन मार्क कर दो, और नीचे रीजन क्या डालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगी क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। ये का यही काम एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो बाबा अपने आप, ऊपर वाला ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, जैसे नीचे वाला ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल लिया था, अब ऊपर वाला ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, वहां से इक्वेशन टू बनाओ, करो कोशिश, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, अगेन इन ट्रायंगल
बस मेन चीज ये कि हम ट्रायंगल का नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो उसका तो एबीसी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा वाला तो है ना, अगेन इन ट्रायंगल, यहां पे क्या नाम लिखें, दूसरा वाला तो एबीसी लिखेंगे। अब ऊपर वाले ट्रायंगल पे चलते हैं, एबीसी से मैच करो, कैसे मैच होता है देखो जी। आप ये बताओ इस वाले ट्रायंगल में, देखो कितना आसान है सोचना, इस वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल ए। इस वाले ट्रायंगल में तो बी का केवल इतना सा पार्ट आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में तो बी का केवल इतना सा पार्ट आ रहा है, बड़े वाले में तो पूरा आ रहा है ना, तो कॉमन कैसे हुआ? कॉमन मीन सेम डिग्री का बनना चाहिए, बड़े वाले में तो वो पूरा 90 डिग्री का बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल में क्या इतना सा 90 डिग्री बन रहा है? नहीं। लेकिन ये जो एंगल ए है ये इस ट्रायंगल में भी जितने डिग्री का बनेगा, बड़े ट्रायंगल में भी उतने ही डिग्री का बनेगा, तो ये एंगल ए है कॉमन। तो एंगल ए कॉमन है तो ए जो है वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए। अगर आपने लिखा ए बी सी तो उस ट्रायंगल में अगर आपने ए को स्टार्टिंग में लिखा है और 90 डिग्री वाला बीच में लिखा है, तो कुछ इस तरीके से कहो कि उधर भी ए स्टार्टिंग में आए और 90 डिग्री वाला बीच में आए, 90 डिग्री वाला कौन है? डी। तो कैसे लिखेंगे? ए बी सी एंड ए डी बी, दो को मैच करो, तीसरा तो मैच होगा ही होगा भाई, 90 डिग्री वाला बीच में लिया है आपने, इधर बी पे बन रहा है, इधर डी पे बन रहा है। अब ए ए एंगल कॉमन है तो अगर इसको फर्स्ट लेटर पे लिया है तो उधर भी इसको फर्स्ट लेटर पे लेना पड़ेगा। चलिए ले लीजिए, अगेन इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले तो वही एंगल्स 90 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्या डालेंगे? वही सेम गिवन एंड बाय कंस्ट्रक्शन, एक एंगल गिवन है और एक मैंने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, ठीक है। अब एंड सेकेंड एंगल, एंगल ए वाला बताओ, मतलब ए जो ए पे बने तो कैसे लिख सकते हो? डी ए बी, उधर कैसे लिखोगे? बी ए सी, तो डी ए बी बराबर बी ए सी कॉमन एंगल, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए सी कॉमन एंगल, अगेन यहां पे ए सिमिलैरिटी हो गई और दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सो बाय यूजिंग ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन कौन कौन से ट्राइंगल थे? ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू वॉट? ट्राइंगल ए बी सी। अब उन दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड कौन कौन सी है? जैसे नीचे बी सी बी सी कॉमन थी तो इधर ए बी कॉमन है, ए बी उस ट्राइंगल में भी आ रही है और ए बी बड़े ट्राइंगल में भी आ रही है, तो दोनों साइड से ए बी तो लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहां से ए बी लू तो वहां से क्या लूंगा? ए सी लो। सो ए बी बाय वहां से क्या लेना पड़ेगा? AC। और अगर मैं वहां से AB लूं तो यहां से क्या लोगे? तो AD by AB equal to AD by AB। इसको मार्क कर दो, एक थोड़ी सी गलती हो गई है, गलती क्या हो गई? एक स्टेप बीच में लिखनी है, इक्वेशन वन इसको मार्क करिए ना, इसको ना मार्क करो इक्वेशन वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, BC into BC, BC का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू, और फिर इस वाली चीज को मार्क करो इक्वेशन, एक स्टेप बस बीच में आपको फिक्स करनी है। कैसे करोगे? देखो 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 देखो, ये इक्वेशन वन मत मार्क करो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऊपर लिख दो इक्वेशन वन, फिर नीचे लिख देना, इसको तो रीजन मार्क कर देता हूं मैं, कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और यहां से जो एक इक्वेशन बनी क्या, BC into BC, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC into BC, इस चीज को मार्क करो इक्वेशन, और ऐसे कैसे नीचे आ जाओ, ठीक है, इस चीज को तो रीजन में लिख दो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर और इधर क्या लिखोगे ए सी इंटू ए डी, इसको मार्क करो इक्वेशन टू। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करो, आपका काम हो चुका है, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू करो। नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है, बैठो बेटा। और भी कोई है क्या नाइन्थ का बाहर, सबको बुला लाओ। वी गेट, देखो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, एलएचएस को एलएचएस से ऐड करेंगे और आरएचएस को, इक्वेशन वन का एलएचएस क्या है बीसी स्क्वायर और इक्वेशन टू का एलएचएस क्या है, तो ऐड कर दो एलएचएस को एलएचएस से, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब आरएचएस को आरएचएस से ऐड करना है, इक्वेशन वन का आरएचएस क्या है एसी इंटू डीसी, एसी इंटू डीसी प्लस इक्वेशन टू का आरएचएस क्या है एसी इंटू एडी। आप ध्यान से देखो तो एसी इंटू डीसी और एसी इंटू एडी में एसी एसी कॉमन है, अंदर क्या बचता है डीसी प्लस एडी, राइट, डीसी प्लस एडी बचता है। अब आप ये बताओ डीसी प्लस एडी क्या आएगा बाय फॉर्मूला, ओ बाय फिगर, चेक करो फिगर में डीसी और एडी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, फिगर कहां था, डीसी और एडी को जोड़ना है, यह है डीसी और यह है, इन दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे तो टोटल एसी लंबाई मिल जाएगी, तो डीसी प्लस एडी को हम लिख सकते हैं एसी। हो गया प्रू, अगली स्टेप में एसी, एक एसी बाहर तो ऑलरेडी है इनटू डीसी प्लस एडी भी क्या हो गया, ये बीच में यहां पे इनटू का साइन है ना, एसी इनटू फिर ये ब्रैकेट, तो एसी इनटू ये डीसी प्लस एडी भी क्या हो गया एसी, तो एसी इनटू एसी, तो यही प्रूव करना था हमको कि एक साइड रहेंगे एसी का स्क्वायर और एक साइड बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर का सम, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई। अब इसको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में अरेंज कर दो बस जैसे अपन ने टू प्रूव में लिखा है, टू प्रूव में अपन ने इसको एलएचएस में लिखा है ना, हेंस टू प्रूव में हमने इसको एलएचएस में लिखा था एसी का स्क्वायर और आरएचएस में बची हुई दो साइड्स का स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर प्लस प्रूव। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम हमने बचपन से पढ़ी है, आज प्रूव करिए, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट, नो सर, ठीक है जी। ऑनलाइन को तो कभी डाउट होता ही नहीं उससे, क्यों कल क्या है बस पे? ऐसे थोड़ा ना चलेगा, सेम टाइम सेम टाइम। चलिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।